नमस्कार, मैं हूं मरीता उपाध्याय। पी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे के पावर हाउस मार्ग पर गंदे पानी की ठहराव की समस्या के समाधान के लिए आज लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष मुस्तफा कुरेशी के नेतृत्व में पालिका प्रशासन मौके पर पहुंचा एवं समस्या का निरीक्षण किया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष मुस्तफा कुरेशी से आमजन के बीच जाकर जनता की समस्या सुनी, साथ ही समस्या के जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन दिया गया। उन्होंने कहा कि आज इस समस्या का निरीक्षण किया गया और पानी भराव की समस्या समाधान के लिए दोनों तरफ नाले बनाए जाएंगे और सड़क भी बनाई जाएगी। टेंडर प्रक्रिया के बाद आमजन की समस्या का समाधान जल्द से जल्द करवाया जाएगा। इस दौरान पार्षद मुकेश सैनी, जमील पिनारा, राकेश, मुकेश, ललित खेड़वास सहित मोहल्लेवासी उपस्थित रहे। आज मौका देगा, ये वार्ड में समस्या है, इसका लेवल नहीं मिल रहा है, एक तो काफी नीचाई पे है और प्रशासन आज आके देखे हैं और दोनों साइड नालियां बना के पावर हाउस के सामने चैम्बर बना के नवलगढ़ रोड पे जो चैम्बर है उसमें मिलाया जाएगा। कब से ये समस्या? ये समस्या पिछले 3-4 साल से, और पिछले कार्यकाल में भी इसका मौका देखा गया, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ है। आज दोबारा से मुस्तफा जी आए हैं, चेयरमैन जी और ईओ साहब, जैन साहब, तीनों ने मौका देखा है आज। अब तो लगता है क्या हो जाएगा? हाँ, आश्वासन तो यही दिया है कि एक महीने के अंदर अंदर ये काम हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर आंदोलन करना पड़ेगा। आज हम लोग जो है ईओ साहब और जैन और मैं और पूरी जो टीम है और दूसरा जो है यहाँ के पार्षदगण है, जमील भाई है और अपने मुकेश जी हैं और यहाँ की जो रहने वाले की पब्लिक भी साथ में है, हमने इसका निरीक्षण यही किया है कि दोनों तरफ इसके नाला बनाएंगे और नाला बना के इसकी रोड भी होगी और ये जो है सीधा स्टेशन की तरफ जो ये अपना ये जो पावर हाउस जो रोड है ये ब्रिज की तरफ जाके और फिर बाद में वहाँ से ना जो ढोलास जो हम स्टेशन बना रहे हैं जो पंप स्टेशन वहाँ इनको मिला के इनका समाधान किया जाएगा और अच्छे से अच्छा इनका काम किया जाएगा और ये जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन प्लानिंग करने में लगेगा, हम टेंडर निकाल देंगे, टेंडर निकालने के बाद में जो भी टेंडर की प्रक्रिया होगी उसके में फौरन काम चालू करवा देंगे। लक्ष्मणगढ़ थाने के कांस्टेबल संदीप कुमार का स्थानांतरण हो जाने पर आज थाना एसआई राजेश कुमार के नेतृत्व में सूक्ष्म विदाई कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर थाना एसआई राजेश कुमार व एएसआई बाबू खान ने माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान शहर चौकी प्रभारी रामदेव सिंह मावलिया, एएसआई सीताराम, महेंद्र कुमार, कांस्टेबल विमलेश कुमार, विनोद कुमार, गणेश कुमार, राम प्रताप, नानू राम, जयपाल, नरेंद्र कुमार विद्याधर, कांस्टेबल सचिन कुमार व प्रमोद कुमार, महिला कांस्टेबल सरोज, सुमन, मंजू, सुशीला व महिला कांस्टेबल सनोज ने संदीप कुमार को माला व गुलदस्ता देकर बधाई दी। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत के बारे में बता रहे हैं जो सीकर से है और आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने एक शमशान भूमि को एक गार्डन के रूप में विकसित किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कैलाश तिवारी की। कैलाश तिवारी जी की रीढ़ की हड्डी में कुछ दिक्कत हो जाने से उनकी रीढ़ की हड्डी का जब ऑपरेशन हुआ तब डॉक्टरों ने उनके जीवित रहने तक की उम्मीद छोड़ दी थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब ये ज्यादा दिन नहीं निकालेंगे, लेकिन भगवान ने चमत्कार किया और कैलाश तिवारी आज हमारे बीच में है और उनकी बहुत ही अच्छी सोच है कि उन्होंने शमशान भूमि को पेड़ पौधों बिल्कुल अनुकूल वातावरण में एक बगीचे के रूप में परिवर्तित कर दिया। कैलाश तिवारी का कहना है कि वे दिन रात इस शमशान भूमि को बगीचे में परिवर्तित करने हेतु तत्पर है। जब भगवान ने उन्हें जीवन दान दिया तब ही उन्होंने सोच लिया शमशान में आने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो, मृत्यु के पश्चात देह के अंतिम संस्कार हेतु संपूर्ण उचित व्यवस्था हो। बस यही उनकी सोच आपके सामने हमारी तस्वीरों में उजागर है। हम कैलाश तिवारी जी की इस सोच को सैल्यूट करते हैं। पूरे सीकर जिले को आप जैसे शख्सियत पर गर्व है। शीतलावा सीकर, आज के 25 साल पहले मैंने रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करवाया था। उस पीरियड में मेरी हालत हो गई थी ख़राब और डॉक्टरों ने भाई साहब को कह दिया गया पेशेंट ख़त्म होने वाला है। उसके बाद उन्होंने आखिरी प्रयास किया, पंप वगैरह दी, उससे मेरी धड़कन वापस चालू हो गई। उस दिन के बाद में मेरे हो गया मरना तो है, इससे अच्छा तो अपने शमशान घाट में व्यवस्था पूरी उस व्यवस्था को सही करके उसके बाद देखा जाएगा। तो उसी दिन से मेरे आज 21 साल हो गया, मैं शमशान भूमि के अंदर सुबह आता हूँ और शाम को जाता हूँ, दिन में यहीं रहता हूँ। ये जो धर्माणा शमशान भूमि है ये पहले इस स्थिति में था
कि यहाँ से आने जाने वाले लोगों को भय लगता था। अंदर जो धर्माड़ा में जो दाह संस्कार में आते थे तो उनको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज ऐसी स्थिति है इसकी, जैसे कोई स्वर्ग में घुस गया हो, स्वर्ग में आ गया हो, मोक्ष मतलब मोक्ष को प्राप्त हो जाता है आदमी आते ही। तो ऐसा इस गार्डन में ये सब कैलाश जी तिवाड़ी की देन है। इन्होंने पूरी जी जान लगा के पूरी अपनी मेहनत से अपने सहयोग से पूरा समय दे के पूरे पैसे खर्च करके अपना और इसको स्वर्ग जैसा बनाया है। कैलाश तिवाड़ी शीतलावा सीकर मेरे आज के 25 साल पहले रीढ़ की हड्डी में दर्द हुआ था और उसका ऑपरेशन किया। उस पीरियड के अंदर मेरे जैसे डॉक्टर ने भाई साहब किया कि पेशेंट खत्म होने वाला है। सीकर उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर माथुर बस्ती सीकर में 73वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य सुचिता शर्मा ने अतिथियों का परिचय करवाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विष्णु उपाध्याय ने की। विशिष्ट अतिथि श्याम सुंदर फूलवाले तथा मुख्य अतिथि ओम प्रकाश माथुर कायस्थ विकास परिषद अध्यक्ष रहे। इस अवसर पर सभी प्रबुद्ध जनों ने अपने अपने उद्बोधन में गणतंत्र दिवस का महत्व समझाया, वीर शहीदों को नमन किया, आगंतुक अतिथियों का आभार प्रकट किया। दिनेश कुमार माथुर विद्यालय व्यवस्थापक ने उद्बोधन किया। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ पूर्व छात्र तथा गणमान्य जन उपस्थित रहे। शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ का अनशन 11वें दिन भी जारी है। विकास जाखड़ बीडी के अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल में भी विकास जाखड़ आमरण अनशन पर बैठे हैं। अस्पताल में भर्ती दो अनशनकारियों की तबियत बिगड़ गई तो विकास जाखड़ ने दोनों विद्यार्थियों का अनशन तुड़वा दिया। दोनों अनशनकारी सुमित शर्मा और संजू लता मीणा की सेहत में लगातार गिरावट जारी थी। ऐसे में विकास जाखड़ ने समझाइश कर दोनों का अनशन तुड़वाया। इसमें सुमित शर्मा की हालत गंभीर थी। शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ ने कहा है कि पटवारी परीक्षा में सरकार ने खेल कर दिया है। पिछली बार से डबल वैकेंसी है लेकिन कट ऑफ बहुत ज्यादा है। सरकार ने ओएमआर शीट के जरिए बैकडोर एंट्री करवाई है। सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट विकास जाखड़ ने 17 जनवरी को अपने गांव जाखड़ों के बास में अनशन शुरू किया था। जाखड़ सरकारी नौकरियों में धांधली के खिलाफ अनशन कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को दोषी बताया है। राजस्थान में भर्तियों को लेकर उठ रहे विवादों के बीच पैरा मिलिट्री फोर्स के युवा अफसर ने आहत होकर अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट विकास जाखड़ ने अपना इस्तीफा भेजा है लेकिन इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी पत्र लिखा है। उन्होंने राजस्थान में नौकरियों के लिए हो रही परीक्षाओं में धांधलियों पर चिंता जताई है और लिखा है इससे युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। विकास जाखड़ ने भर्तियों में भ्रष्टाचार रोक पाने में राजस्थान सरकार को असफल बताते हुए इन भर्तियों के भ्रष्टाचार का कारण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डीपी जरोली तथा पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को बताया था। 23 नवंबर 2016 को लातेहर झारखंड के जंगलों में ऑपरेशन को अंजाम देने में सहायक कमांडेंट विकास जाखड़ का बड़ा योगदान रहा है। लातेहर के जंगलों में छिपे नक्सली देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती थी। नक्सलियों के इस हमले में कई जवान अपनी जान गंवा चुके थे। जवानों ने नक्सलियों तक पहुंचने के लिए रात के सन्नाटे में 23 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया जिसका नेतृत्व विकास जाखड़ ने किया था। सुमित शर्मा और संजू लता मीणा ये 5 दिन से आमरण अनशन पे थे। अब इनकी तबीयत काफ़ी गिरावट आ रही है। इनकी तबीयत में संजू लता जी के साथ दिक्कत क्या है कि उनकी जो वैन है वो बहुत नैरो है तो जो कैनोला है उसमें लग नहीं पाती, तो अलग से सप्लीमेंट नहीं मिल रहा, उनको ग्लूकोज नहीं चढ़ा पा रहे हैं, काफ़ी वीकनेस आ गई है उनमें। और सुमित जो है उनको आज जयपुर रेफ़र कर रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं जयपुर रेफ़र करना पड़ेगा, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मैंने इसे इस तरीके से तड़पते हुए देखा नहीं जा रहा स्टूडेंट्स को। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट करी इनसे, काफ़ी हाथ जोड़ के विनती करी, प्रार्थना करी, तो बोलने से मर जाएंगे हम अनशन नहीं तोड़ेंगे। दोबारा इनसे निवेदन किया इनसे, तो काफ़ी कहने के बाद ये लोग माने और दोनों ने अपना अनशन मेरे हाथ से अनशन देने का मैंने तोड़ा दिया है और मेरा अनशन जारी है। आज 10वां दिन है अनशन को, मैं अनशन जारी रख रहा हूँ। जो भी विद्यार्थियों की स्टूडेंट्स की बेरोजगारों की मांगे हैं तो मेरा अनशन आज 10वां दिन लगातार जारी है, जारी रहेगा, लड़ाई संघर्ष जारी रहेगा। गाँव से आज बड़ी संख्या में बच्चे बाहर निकले हैं, धरना दिया है, रैली निकाली है, ज्ञापन दिए हैं, गांव-गांव जुड़ चुका है। केवल झुंझुनू की बात नहीं है, सीकर से, पाली से, जोधपुर से, भरतपुर से, धौलपुर से, बहुत सारे लगभग जो ज़िलों से हैं वहां से हमारे पास समाचार पहुंच रहे हैं, फुटेज पहुंच रही है, आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। बच्चे जुड़ रहे हैं, अब विद्यार्थी जाग गया है, अब वो पीछे नहीं हटेगा।
इनको माननी ही पड़ेंगे हमारी मांगे। आज दो विद्यार्थी आए थे मेरे पास, पटवारी का बता रहे थे, जो कट ऑफ है वो पिछली बार वैकेंसी निकली थी उससे डबल लगभग वैकेंसी है इस बार, तो कट ऑफ तो डाउन जानी चाहिए, है ना जी। और डबल इन्होंने पास किए हैं, उसमें भी कट ऑफ 30 नंबर ऊपर जा रही है, 40 नंबर ऊपर जा रही है, यानी एक ओमार शीट का भी खेल चल रहा है, ये बैकडोर से ओम पैसा लेके ओमार शीट भरवा के और इस तरीके से सिस्टम में लोगों घुसा रहे हैं। अति हो गए, अभी जनता जवाब मांगेगी, इनसे छोड़ेगी नहीं पीछे। उदयपुर जिले के बार एसोसिएशन स्लुम्बर द्वारा 26 जनवरी को बार सभागार भवन पर पहली बार झंडारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसके पश्चात सुबह 11 बजे अधिवक्ताओं की खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें शतरंज, कैरम और बैडमिंटन की प्रतियोगिताएं हुई, जिसमें बैडमिंटन में विजेता बार अध्यक्ष राकेश पूर्विया और उपविजेता राकेश प्रजापत रहे। कैरम में विजेता राकेश कुमार जैन और भगवतीलाल सुथार रहे व उपविजेता राकेश प्रजापत व जितेंद्र वैष्णव की जोड़ी रही। शतरंज में विजेता जितेंद्र वैष्णव व उपविजेता राकेश कुमार जैन और सभी विजेताओं के पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम एडीजे स्लुम्बर विक्रम सिंह के मुख्य आतिथ्य में बार एसोसिएशन कार्यालय में दिनांक 27 जनवरी 2022 को संपन्न हुआ, जिसमें सभी विजेताओं उपविजेताओं को बार अध्यक्ष और एडीजे साहब पूर्व बार अध्यक्ष परमानंद मेहता द्वारा ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन बार सचिव भगवती लाल सुथार ने किया। बार अध्यक्ष ने सभा में उपस्थित सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में पूर्व बार अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष पंचायत समिति सोहनलाल चौधरी, कमल बाहेती, नगर पालिका उपाध्यक्ष अब्दुल रफूफ खान, प्रभुलाल मीणा, नाहर सिंह चुंडावत, पूर्व बार अध्यक्ष सुरेश पुरी, राकेश प्रजापत, रंजीत पूर्विया, जितेंद्र वैष्णव, राकेश जैन, पन्नालाल मीणा, बार उपाध्यक्ष मांगीलाल मीणा, पुस्तकालय सचिव भगवंती मीणा, बार कोषाध्यक्ष केशव पटेल, पार्षद राम भरोसे पुरोहित, संजय मेहता, लक्ष्मीलाल सालवी, हितेश पांचाल आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। उदयपुर जिले के स्लुम्बर थाना पुलिस ने फर्जी शादी के मामले में गिरोह के दो महिला सदस्य की गिरफ्तारी के बाद दलाल एवं मुख्य सरगना समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा, लेकिन पुलिस के चुंगल से दुल्हन संगीता फरार थी, जो एक बार फिर एक नए पति के संग निंबाहेड़ा में रह रही थी, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने 33 साल की उम्र में 4 शादियां करना स्वीकार किया है। वह हर फर्जी शादी के 40 से 50 हजार रुपए लेती और 10 से 15 दिन ससुराल में रहकर फरार हो जाती, जिसको पूरा गिरोह चलाता था, जिसका मुख्य सरगना गुलाब सिंह उर्फ राजकुमार है। थाना अधिकारी हनवंत सिंह सोडा ने बताया कि प्रार्थी दुर्जान सिंह फर्जी शादी मामले में पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना एवं दलाल गुलाब सिंह पुत्र गंगाराम सिसोदिया निवासी बेरछा दातार तहसील काला पीपला थाना काला पीपला जिला शाहजहांपुर मध्य प्रदेश हाल निवासी कुम्हार मोहल्ला बैरागढ़ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश तथा प्रार्थी का गिरोह के सरगना दलाल से संपर्क कराने वाले आयुर्वेदिक अस्पताल में राजकीय कर्मचारी हेमराज सिंह पुत्र मनोहर सिंह सोलंकी जाति राजपूत सन सिटी स्लुम्बर तथा तीसरा आरोपी विष्णु पुत्र शिवराम जोशी निवासी बडावली थाना सेमारी हाल निवासी डाल चौराया स्लुम्बर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार गिरोह के सदस्य ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं होती उनको फर्जी दुल्हन से शादी करवा कर रुपए एवं जेवरात ऐड करके धोखाधड़ी कर फरार हो जाते हैं। उक्त गिरोह के सदस्य द्वारा पाली निंबाहेड़ा सराडा बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर फर्जी शादियां करवाई है। आरोपी महिला जेल पुलिस ने पूर्व में गिरोह के सदस्य मुख्य सरगना दलाल गुलाब सिंह की पत्नी रजनी सिसोदिया निवासी बेरछा थाना कालपीपला रेखा पत्नी शिवलाल उर्फ शिब्बू निवासी घाटम पूरा रायसेन हाल खेड़ा रोड आनंद नगर पुलिस थाना पीपराली भोपाल मध्य प्रदेश को प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार किया था, जिन्हें कैंप कोर्ट में पेश किया, जहां दोनों आरोपी गिरोह के सदस्य महिला को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। सीकर जिले के कल्याण राजकीय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 73वें गणतंत्र दिवस पर प्रिंसिपल डॉक्टर कमल कुमार वर्मा द्वारा झंडारोहण करते हुए सलामी दी गई। मेडिकल कॉलेज के भव्य झंडारोहण कार्यक्रम में डॉक्टर पीएस गढ़वाल, डॉक्टर श्रवण मीणा, एडिशनल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर मितेश सागर, अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र कुमार, डॉक्टर रामरतन यादव, डॉक्टर हरि सिंह खेदर सहित समस्त मेडिकल फैकल्टी और नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहा। गणतंत्र दिवस समारोह में मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल के वर्मा द्वारा गणतंत्र उद्बोधन प्रस्तुत किया गया। डॉक्टर वर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया और शहीदों के बलिदान को याद किया। इस अवसर पर कोरोना में उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रिंसिपल महोदय और पीएमओ साहब द्वारा प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार, प्रोफेसर डॉक्टर जीएस थालोर, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आर यादव, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर निर्मला, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुनील सैनी, एचडी डॉक्टर आराधना जटवा, एचडी डॉक्टर छवि कांत यादव, एचडी डॉक्टर मनोज सबलानिया, एचडी डॉक्टर पुनीत लामोरिया और लोकेश कुमार को सम्मानित किया गया। और आप सबको यहाँ पे अपने सामने पाके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। गौरवान्वित मैं इसलिए नहीं हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ इसलिए, पर मैं इसलिए कि मैं उस संस्था का हेड बनने की वो रखता हूँ कि हम इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में पूरे और स्टेट में जो हमारे पिछले एक साल की या दो साल की जो कामयाबी हम लोगों ने ली, इस टीम ने ली है,
उसके लिए रियली मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ टीम को कि वो हमें इस मुकाम तक ले गए। डेफिनेटली जैसा पहले हमें बताया कि आज हम स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं, स्वाधीनता दिवस का मतलब बेसिकली क्या, हम इंडिपेंडेंट तो हो गए थे 1947 में, पर इंडिपेंडेंस के बाद में हम किस तरह आगे इस आज़ादी को बरकरार रखते हुए हम आगे किस तरह हमारी देश की प्रगति करेंगे, अपने आप की प्रगति करेंगे, अपने स्टेट की प्रगति करेंगे, परिवार की प्रगति करेंगे, इंस्टीट्यूट की प्रगति, इसके लिए लिखित में एक गवर्नेंस को बनाया गया था, इसको कॉन्स्टिट्यूशन। पिछले 1919 पे, हालांकि जैसे हमारे कह रहे हैं कि हम बड़े प्रयास के बाद 1916 से प्रयास तक इस मेडिकल कॉलेज के लिए आज, क्योंकि हम अपने इंस्टीट्यूट पर खड़े हैं, हमारे इंस्टीट्यूट से 16 में जो हमारी शुरुआत हुई थी, 19 के बाद में हमने इसे कोशिश किया, 20 में हमें डेफिनेटली हमें जो है ना कोशिश, तो हम कह सकते हैं कि हमारा मेडिकल कॉलेज एग्जिस्ट हुआ 2020 में और पहला बैच हमारा आ गया था। अब जो है मेरा कहने का मतलब है कि एक साल हो गया हमारा पहला बैच होगा और कोर्स एक साल कम्प्लीट कर चुका है, दूसरा बैच आ रहा है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अब जिस सीकर जिला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा राजकीय कला महाविद्यालय कटराथल में विभिन्न मांगों को लेकर प्राचार्य का घेराव किया गया। छात्र प्रतिनिधि राजेश सिमाला ने बताया कि नियमित कक्षाएं लगवाने, तृतीय वर्ष की कक्षाएं नए भवन में लगवाने, पेयजल की समस्या, कंप्यूटर लैब सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर प्राचार्य का घेराव किया गया। इकाई अध्यक्ष योगेश गढ़वाल खिरोड ने बताया कि अगर कॉलेज प्रशासन ने 5 दिन में हमारी मांगे नहीं मानी तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन एवं भूख हड़ताल करेगा। इस दौरान नगर मंत्री राहुल डोरवाल, विकास गुर्जर, बिट्टू योगी, सुनील गुर्जर, सचिन वोकन, कैलाश आशीष, दिनेश बाजा, हितेश जांगिड़, संजू सुमन, मनीषा किरण नूतन सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कटराथल इकाई द्वारा 11 सूत्री मांगों को लेकर आज के कल्याण कला महाविद्यालय को प्रचार्य को घेरा गया। 11 सूत्री मांगों में पानी की समस्या से लेकर खेल मैदान, वाईफाई तथा लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब से अधिक समस्या है। अगर हमने प्रचार्य को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है, 5 दिन के अंदर इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोजनू हाईवे पर उग्र आंदोलन करेगी और हमारे इकाई के इकाई अध्यक्ष भाई योगेश गढ़वाल और उनके साथी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। धन्यवाद। सीकर जिले के गांव कुंडली में रूपा फाउंडेशन कोलकाता के तत्वाधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंडली में आज गर्म कपड़े, लोअर, इनर वितरण किया गया, जिसके अंतर्गत 630 नग विद्यालय को प्रदान किए गए। कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए प्रतीकात्मक रूप से रखे गए कार्यक्रम में रूपा फाउंडेशन सीकर के प्रतिनिधि उमेश कुमार माथुर भी उपस्थित रहे। प्रधानाचार्य कमला उल्खा ने रूपा फाउंडेशन कोलकाता उमेश कुमार माथुर के इस पुनित कार्य के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि प्रभुदयाल ओला, स्काउट प्रभारी मनोहर लाल, मनोज पारी, गिरधारी प्रकाश मीणा, कुंभाराम संजीव, ब्रिजेंद्र ओला, बसंत कुमार, बिट्टू योगी, गणेश ओला, विद्यालय का स्टाफ एवं समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। ग्रांड शिकावाटी में गणतंत्र दिवस पर श्री धन लक्ष्मी इन्वेस्टमेंट्स शाखा सुरेश राठी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड शाखा की ओर से भारतीय जीवन बीमा निगम की प्रस्तावित आरंभिक सार्वजनिक ऑफर पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कल्पेश सराफ के उद्बोधन के बाद सेमिनार को संबोधित करते हुए स्वाति पांडे ने LIC के सार्वजनिक निर्गमन में निवेश का अधिक से अधिक आर्थिक लाभ उठा सकते हैं। LIC के विकास अधिकारी महेंद्र शर्मा ने आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस निर्गमन में पूंजी लगाए और इस तरह LIC के इस ऑफर को सफल बनाए। रिद्धि सिद्धि इन्वेस्टमेंट के विपुल अग्रवाल ने शहर के अधिक से अधिक लोगों को प्रस्तावित ऑफर से जुड़ने का आह्वान किया। ताराचंद सराफ ने विस्तार से पूंजी निवेश के संदर्भ में अपनी बात रखी। प्रोपराइटर भगत सिंह सहारण ने सार्वजनिक निर्गमन से अधिक लोगों की भागीदारी निभाए। महेंद्र शर्मा ने जीवन बीमा निगम के अधिकारियों से किस तरह संपर्क का इस IPO को सफल बनाया जाए पर विस्तार से चर्चा की। तरह से गाइड किया गया सर, जैसे कि महेंद्र जी ने बताया कि हम लोगों को जो एजेंट्स हैं उनको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, तो उनके लिए उन्होंने बोला है कि उनके ऑफिस में ब्रांच विजिट करके हम एजेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर लेके और ऑफिस में हम इस चीज़ को प्लान करेंगे। दो तीन जनों की टीम बना के हम उनके पास पर्सनली जाके उनसे विजिट करेंगे और उनको बताएंगे कि वो अपने पॉलिसी होल्डर्स को ये बताएं कि आधार कार्ड और पैन कार्ड का लिंक होना कितना ज़रूरी है इस IPO के लिए, उनका मोबाइल नंबर और जो बेसिक डिटेल्स हैं वो अपडेट होनी ज़रूरी है, और ये चीज़ें अपडेट होने के बाद में उनको जो इसमें एडिशनल बेनिफिट मिलेगा ये बताने में आ रहा है कि जो LIC कंपनी है वो अपने पॉलिसी होल्डर्स के लिए भी एक अलग से कोटा बना रही है, जिसके अंदर जो पॉलिसी होल्डर्स हैं वो इंडिविजुअल एप्लीकेशन लगाने के साथ साथ पॉलिसी होल्डर कोटा जो है उसमें भी एडिशनल एप्लीकेशन लगा के बेनिफिट ले सकते हैं। जहां तक बात है सर, देखिए शेयर मार्केट का स्टार्टिंग से एक
दूर रहा है हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। तो शेयर मार्केट में हम देखते हैं कि अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स मिलते हैं, कुछ कंजर्वेटिव टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ बोल्ड इन्वेस्टर्स होते हैं। तो जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए IPO और म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है, और जो बहुत ज़्यादा रिस्क उठा सकते हैं उनके लिए स्पेक्यूलेशन हो गया, आर्बिट्रेज हो गया, तो वो उसमें भी जाके अपना हाई प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जो ये सबमिट हुई है इसे लेकर किस तरह की जो बचत जोखिम या इन्वेस्ट की बात की गई ये बताएं। जैसे कि LIC का IPO आ रहा है जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी साबित होने वाली है, और 1,00,000 करोड़ का IPO आ रहा है जो कि अब तक का सबसे बड़ा IPO है। तो इसमें अपन चाह रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक जुड़े और इस IPO का फ़ायदा उठाएं। कैसे जुड़ेंगे निवेशक और किस तरह का फायदा होगा, इससे क्यों जुड़ेंगे निवेशक? इससे जुड़ने के लिए उनको सबसे पहले शेयर का खाता खुलाना पड़ता है जिसको अपन डीमैट अकाउंट बोलते हैं। तो हम लोग ये प्रोग्राम जगह जगह इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि लोगों को निवेशकों को जागरूक कर सके और डीमैट अकाउंट उनका खुलवा सके। डीमैट अकाउंट खुलने से ही जो है उनका इस IPO में पैसा लग सकेगा। बताया जा रहा है कि ये जो IPO LIC की तरफ से हो रहा है इसमें करीब 1,00,000 करोड़ रुपए जो है वो 10% जो है निवेशकों को या जो LIC धारक है उनको दिया जाएगा। तो कैसे दिया जाएगा? ये 1,00,000 करोड़ का IPO जो अब तक का सबसे बड़ा IPO वो आ रहा है, इसके लिए लोगों को अकाउंट खुलवा के पैसा उनको लगाना ही पड़ेगा, जिसके माध्यम से ही उन लोग इस IPO में पैसा लगा सकते हैं। थैंक यू सर। चूरू नगर परिषद के पास भूमि विकास बैंक में गणतंत्र दिवस पर बैंक चेयरमैन ईसर राम डूडी ने ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाया। चेयरमैन डूडी ने कहा कि देश के शहीदों ने जो शहादत दी है इस शहादत को सदैव याद रखा जाएगा। इस अवसर पर शाखा सचिव लियाकत अली, प्रभुदयाल सैनी, सुरेंद्र सोलंकी, राजेश तंवर, गजानंद प्रजापत आदि मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस की सभी को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। ये इसी भांति देश आजाद होने के बाद में संविधान लागू हुआ था, ये 13वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। आपका नाम? ईश्वर राम डूडी, चेयरमैन भूमि विकास बैंक चूरू। सामाजिक कार्यकर्ता महबूब खान ने आज चूरू जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि अग्रसेन नगर फाटक के पास चूरू में गंदगी की भारी समस्या है तथा यहां पर साफ सफाई की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और न ही समय पर इस पर कोई ध्यान दिया जा रहा है, जिस कारण मोहल्ले वासियों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस बारे में नगर परिषद को भी काफी बार अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन हर बार सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण मोहल्ले वासियों में काफी आक्रोश है। गंदगी की वजह से बीमारियों का भी काफी खतरा बना रहता है। ये सारा गंदा पानी अब घरों के आगे भी आ रहा है तथा सड़क पर भी आ रहा है। पास में ही एक मस्जिद है जहां पर नमाज पढ़ने जाने वालों को भी काफी समस्या का सामना करना पड़ता है और इस गंदगी की वजह से काफी बार दुर्घटना की भी संभावनाएं बनी रहती है। वार्ड नंबर 1 की समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण करने की ज्ञापन देने के दौरान मांग की गई। ज्ञापन देने के दौरान फारूक खां, शाहरुख, जावेद कुरैशी, यूनुस कुरैशी, विनोद गुजराती, सिकंदर फिरोज खां, गढ़सी राम श्यामलाल, अमीन शर्मा, किशन लाल आदि मौजूद रहे। हमारी छोटी सी मांगी है लेकिन बहुत बड़ी कर दी नगर परिषद ने। वार्ड नंबर 21 के अंदर में अगर श्रीनगर जो फाटक है ना उसके पास में काफी दिनों से गंदा पानी थोड़ा थोड़ा रहा था, अब पूरा रास्ता जाम हो गया है। उसकी वजह से बुजुर्ग लोग, मस्जिद है पास में जो मस्जिद का रास्ता भी बंद हो गया है, अब किधर से जाए, ये नगर परिषद से हम पूछने आए। हमारे कमिश्नर साहब तो कभी मिले भी नहीं 3 साल के अंदर में, मैं इतनी बार आ गया हूँ और अब तो ये हाल हो गया है कि कमिश्नर साहब फोन भी नहीं उठाते हैं। कल राठौड़ साहब बात करना चाहते थे तो भी फोन नहीं उठाया, मैंने 3 कॉल किया उनको, और यहाँ पायल जी हमारे सभापति जी हैं वो भी आजकल दिखाई नहीं देती है। तो हम ज्ञापन लेके किसके पास जाएं? और हमारी जनता जो परेशान है हमें ये समझ में नहीं आ रहा है हम किसके पास जाएं। वार्ड पार्षद को फोन किया तो वार्ड पार्षद बोलते हैं कि मैं तो गाँव आ गई हूँ, और अभी तक उन्होंने देखा भी नहीं है आके वहाँ पे कि भाई आपके वार्ड का क्या हाल है। इसकी जब सूचना पहले भी गिरी बहुत बार की हुई है हमने इसकी सूचना, लेकिन हर वक्त में हम सूचना उनको देते रहते हैं लेकिन वो आके देखते भी नहीं है। अब हम किसके पास जाएं? लास्ट में हमें यहाँ खुद नगर परिषद आना पड़ा, क्यों कि गंदे पानी की परेशानी है जो हम झेल रहे हैं। अब ये जो कोरोना जैसी बीमारियां चल रही है इसका जो पनपने का जो राज है वो ये सिर्फ गंदा पानी है। अब सारे लोग मास्क लगा रखे, क्यों लगा रखे है? सिर्फ इसकी वजह से ही ये बीमारी जो फैल रही है कोरोना की, जो नगर परिषद है वो ध्यान नहीं दे रही है कोई भी काम में, कब ध्यान देगी ये? मेरा नाम महबूब खान है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और हमेशा ऐसे कार्यकर्ता में आगे रहता हूँ जो सामाजिक काम होगा।
अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस प्रदेश सचिव वेद प्रकाश पवार और जिला चुरू के अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस वाल्मीकि समाज ने जिला कलेक्टर के द्वारा प्रधानमंत्री के नाम देश के सफाई मजदूरों के राष्ट्रीय सफाई आयोग हेतु ज्ञापन संलग्न किया। ज्ञापन में मांग की गई कि राष्ट्रीय सफाई आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इस ज्ञापन के दौरान अशोक पवार, राजेश कुमार, कमलेश्वर, रोहित पवार, वेद प्रकाश पवार, वाल्मीकि प्रदेश सचिव, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस गोपाल आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय सफाई आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने हेतु माननीय श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा प्रधानमंत्री जी को आज हम ज्ञापन दे रहे हैं। सफाई मजदूर में प्रदेश सचिव वेद प्रकाश निवेदन करता हूं कि 22/1/22 को पीएमओ पोर्टेबल महामहिम राष्ट्रपति कार्यालय में अखिल भारतीय सफाई मजदूर के संगठन द्वारा ईमेल भेजा गया था, जिसका हमारा क्या है कि फरवरी में समाप्त हो रहा था, तो अब हमारा 1 मार्च से 3 वर्ष के लिए हमारी अवधि बढ़ा दी गई है। तो हम आज कलेक्टर महोदय से के द्वारा निवेदन करते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री से 3 वर्ष के लिए अवधि तो बढ़ा दी गई है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम निवेदन करते हैं कि इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। हमारे राष्ट्रीय सफाई आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने पर हमारे सफाई मजदूरों का हित होगा, हमारे सफाई मजदूरों की अधिकारों की रक्षा होगी। जय हिंद, जय भारत। आपका नाम? वेद प्रकाश पवार, वाल्मीकि। चुरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने बुधवार को गाजसर गिनाड़ी सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सहित शहर के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया और शहर की समस्याओं और विकास से जुड़े कार्यों के बारे में फीडबैक लिया। जिला कलेक्टर ने नगर परिषद के सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट व गाजसर गिनाड़ी का जायजा लिया और गिनाड़ी टूटने से होने वाली समस्या के बारे में फीडबैक लिया। इस दौरान उन्होंने पूर्व में गिनाड़ी टूटने की स्थिति और हुए नुकसान के बारे में पूछताछ की और कहा कि किस तरह से समस्या का समाधान हो सकता है, इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने नगर परिषद की ओर से कचरा डाले जाने के लिए निर्धारित डंपिंग यार्ड एवं कचरा डाले जाने की व्यवस्थाएं भी देखी। जिला कलेक्टर ने इस दौरान चूरू चौपाटी का निरीक्षण किया और सहायक अभियंता आत्माराम से चौपाटी एवं अमृत योजना आदि में किए गए कार्य तथा आसपास के घरों में भरने वाले पानी की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने इस दौरान मातुश्री कमला गोयनका टाउन हॉल का निरीक्षण किया और सानिवी XANBL सोनी से टाउन हॉल में किए गए कार्य एवं प्रस्तावित कार्यों के बारे में पूछताछ की। जिला कलेक्टर ने कहा कि कचरा निस्तारण, गिनाड़ी आदि समस्याओं के समुचित समाधान के लिए आवश्यक कार्य किए जाएंगे तथा टाउन हॉल में सुविधाओं का विकास एवं विस्तार हो तथा यहां पर अधिकतम गतिविधियां एवं इसका समुचित सदुपयोग हो, इसके प्रयास किए जाएंगे। इस दौरान SDM राहुल सैनी, सानिवी के XANBL सोनी, IN राजेश चौधरी, नगर परिषद IN आत्माराम, अंकुर जांगेड़, प्रभाकर झा, नंद किशोर मोजासिया आदि उपस्थित रहे। शहर के 3-4 इलाकों का विजिट किया है, चौपाटी का, टाउन हॉल का और गिनानी का, जो यहाँ का कचरा पॉइंट है, डंपिंग यार्ड, वहाँ पे मुझे बताया गया था कि ये शहर की कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर पूर्व में समस्याएं रही हैं, तो उनका एक बार आज निरीक्षण करके और इसमें किस भी तरह से समाधान निकल सकता है उसको खोजने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। चुरू जिले के तारानगर उपखंड क्षेत्र के अधिकारियों कर्मचारियों को अपने अपने विभाग में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने पर जिला प्रशासन द्वारा गणतंत्र दिवस पर चुरू में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में तारानगर विकास अधिकारी संत कुमार मीणा, सहायक कृषि अधिकारी सविता बुडानिया, जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता राजेंद्र सिंह बागोरिया व परिवहन विभाग के परिचालक जसवंत सिंह बैनीवाल सहित क्षेत्र के अन्य लोगों को जिला स्तर पर सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री बृजेंद्र ओला, उपनेता प्रतिपक्ष व चुरू विधायक राजेंद्र सिंह राठौर, जिला प्रमुख वंदना आर्य, चुरू पंचायत समिति प्रधान दीप चंद राहड़, नगर परिषद सभापति पायल सैनी, जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद आदि ने सम्मानित किया। पी न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लगातार बने रहिए पी न्यूज के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ऑफ नोटिफिकेशन सो दैट यू विल गेट ईच एंड एवरी अपडेट ऑफ अवर चैनल।